प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीएम केयर्स योजना के तहत कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को लाभान्वित किया पीएम ने। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे बेसहारा बच्चे। पूरी तन्मयता से सुना पीएम मोदी का संबोधन। बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री ने दिए उपहार। बोले, तनिक भी चिंता ना करें, हर पल साथ खड़ी है सरकार आप सभी के साथ। चार जून को गोरखपुर में प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद रवि किशन ने यूपीएससी में सफल अर्पित गुप्ता को दी बधाई। कहा, नाज है अर्पित पर पूरे गोरखपुर को। अर्पित गुप्ता ने कहा, सफलता के लिए पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि रोज पढ़ें। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पीएम किसान निधि की 11वीं किश्त करेंगे जारी। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर पूरे शहर को नया लुक देने की तैयारी में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने बैठक कर नगर के हर चौराहों को दुल्हन की तरह सजाने के दिए निर्देश। विकास एवं संभावना दिवस के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। लिया उनके सपनों को साकार करने का संकल्प। पंद्रह जून से संभावित बारिश और 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने शहर के नालों के हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण। कहा, शहर में नहीं होगा किसी प्रकार का जल जमाव। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक व सम्मान समारोह सकुशल हुआ संपन्न। पूर्व और वर्तमान प्रधानाचार्यों को अंग वस्त्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग में महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री की पूजा। कहा, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत।